Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ, आज मैं जो प्रोडक्ट लेके आई हूँ आपके पास, वो है ये इमामी 7 ऑयल्स इन 1 है. एंड अभी तक का ये मेरा सेकेंड फेवरेट ऑयल है. मेरा जो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो मुझे ऑयल लगता है, वो मुझे लगता है ऑलिव ऑयल, जो ग्रीन कलर के टिन वाले डब्बे में आता है, मेड इन स्पेनिश है वो. तो वो मेरा फेवरेट ऑयल है. एंड सेकेंड फेवरेट ऑयल मेरा ये है. रीज़न बिंग कि इसमें आपको 7 ऑयल्स के बेनिफिट्स मिल जाएंगे. जो 7 ऑयल्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ. एंड ये जो बॉटल है ना, आप इसको यहाँ पे देखोगे ना, अंदर इन्होंने कुछ स्टिकर चिपकाया हुआ है, उसमें इन्होंने सारे ऑयल्स का लिखा हुआ है, फोटो बनी हुई है सभी चीज़ों की, जिस जिसके ऑयल्स है एंड नेम लिखा हुआ है. तो ये बहुत मुझे सुंदर लगता है. बाकी जो इसमें 7 ऑयल्स है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. आर्गन ऑयल, वॉलनट, जोजोबा, ऑलिव, आमंड, आंवला एंड कोकोनट. तो ये 7 ऑयल्स और का मिक्सचर है एक बॉटल में. बॉटल आप देख लो कितना ह्यूज है. इतना मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, इसे 1-1.5-2 महीना हो गया है मुझे. ये वाला ऑयल मेरे घर में सिर्फ मैं लगाती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा लगाता है अपना ऑयल, एंड जॉनसन बेबी का मैं लगाती हूँ उसको. अदरवाइज फिर वो और कोई ऑयल लगाता नहीं है. मेरी मदर लगाती है कोकोनट ऑयल. तो ये सिर्फ मेरा बॉटल है. एंड इसका जो क्वांटिटी है 200 ml है, ये 120 rupees का आता है. आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो आप इसका छोटा वाला बॉटल ले सकते हो, 40-50 के रेंज में आपको मिल जाएगा. इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है सितंबर 2019. आप इसको यूज़ कर सकते हो अगस्त 2022 तक. तो मतलब काफ़ी टाइम आपको मिल जाएगा इसको यूज़ करने के लिए. वैसे ही आपका साल भर में ख़त्म हो जाएगा, इवन 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा. हो सकता है थोड़ा ज़्यादा चले, वो लगाने के ऊपर है. तो ये क्लेम करता है कि आपके बालों को 20 गुना स्ट्रॉन्ग एंड ऑल डे आप सेट हो जाओगे. मैं आपको इसके पहले प्लस पॉइंट बता देती हूँ कि ये ऑयल आपके बालों को बहुत अच्छे से नरिश करता है. एंड आप जब इसको लगाओगे ना, तो आपके बालों में कुछ भी आपको स्टिकीनेस फील नहीं होगा. वैसे करोगे ना तो आपके बालों को ऐसा भी लगेगा कि तो चिपक रहे हैं, बट आप बहुत स्मूथ हो जाते हैं आपके बाल. मतलब बहुत आप लगाओगे ना तो लगेगा ना कि आपने कुछ सीरम काइंड ऑफ लगाया है. बहुत स्मूथ हो जाएंगे, आपको अच्छे लगेंगे. मतलब सिल्की सा एक इफेक्ट आता है आपके बालों पर. तो वो उस वे में ये ऑयल अच्छा है. बट अगर बात करें कि 20 गुना स्ट्रॉन्ग कर देगा आपके बालों को, तो भाई हो सकता है किसी और के बालों को इसने किया हो. बट आज से 1 हफ्ते पहले तक, जब तक मैंने स्मूदनिंग नहीं कराई थी, मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते थे. एंड ऐसा कुछ भी इस ऑयल ने नहीं किया कि मेरे बाल टूटना कम हुए हों, मेरे बाल स्ट्रांग हो गए. ओबियसली स्ट्रांग अगर ये करता तो टूटना कम हो जाते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं कोम करती थी तो भी मेरे बाल निकलते थे, मैं शैम्पू करती थी तो भी मेरे बाल निकलते थे, टूटते थे. तो ऐसा कुछ भी इसने मेरे बालों पे कोई काम नहीं किया है. हाँ, ओवरऑल ऑयल अच्छा है. मुझे जब भी हेडेक होता है या मुझे लगता है कि नहीं मुझे ऑयल लगा लेना चाहिए, तो मैं इसको लगाती हूँ, मेरा हेडेक बंद हो जाता है. एंड अच्छा ऑयल है. अगर आप कोकोनट वगैरह का, आमंड का, आंवला का, आर्गन का, वॉलनट का, सभी का आपको एक लाइक कॉम्बो चाहिए आपके बालों में लगाने के लिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है. आप इसके साथ जा सकते हो. मैं फिर भी यही बोलूँगी कि आप ट्राई अगर करना चाहते हो तो आप छोटा वाला इसका बॉटल लें, आप एक बार ट्राई करके देखिए एंड आपको अच्छा लगेगा. स्प्लिट एंड्स में भी मेरे कोई काम नहीं करा है ऑयल्स वगैरह क्लेम करने के, स्प्लिट एंड्स चले जाएंगे. आप देखो, अभी तो खैर मैंने ट्रिमिंग करवाई हुई है तो अभी तो मुझे स्प्लिट एंड्स का कोई प्रॉब्लम है नहीं. ऑयल लगाने से आप कोई भी ऑयल लगा लो, कितना भी क्लेम करता हो स्प्लिट एंड्स चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस. ऑयल लगाने से स्प्लिट एंड्स नहीं जाते हैं, आपको ट्रिमिंग कराना ही पड़ता है. ट्रिमिंग आप कराओगे तभी आपके स्प्लिट एंड्स जाएंगे, अदरवाइज ऑयल लगाने से स्प्लिट एंड्स है पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है. तो ओवरऑल ऑयल अच्छा है. अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे तो आप अगर अपने बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, टूटना कम करना चाहते हैं, स्प्लिट एंड्स घटाना चाहते हैं, तो ये ऑयल वर्क नहीं करेगा. बट आप नॉर्मल एक नरिशमेंट चाहते हैं, आप ऑयल स्पा काइंड ऑफ ऑयल लगाने के बाद आप वो गर्म वाला टावल या फिर वो हीट वाले जो कैप आती है वो अगर आप यूज़ करते हो, तो उसके लिए ये ठीक ऑयल है. तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है वो रेशो की अगर बात करें तो मुझे ये 80% मेरा फेवरेट है. अदरवाइज आप 100% वाली बात करेंगे तो दैट इज़ ऑलिव ऑयल, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. अभी मेरे पास वो बॉटल ख़त्म हो गई है, मैं आगे खरीदूंगी तो मैं उस पर भी आपको रिव्यू बता दूंगी, क्योंकि एटलीस्ट बॉटल तो लगती है ना आप लोगों को दिखाने के लिए गाइस.
तो ये था मेरा वीडियो इस ऑयल पर। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय।